अल्हमिल्लाज़ुबिल्न बसमी सरा थर्टी फाइव ट्वेंटी द इनिशियटर द वर्स ट्वेंटी हमने फिनिश किया था ट्वेंटी वन जिसमें वर्स ट्वेंटी में हमने देखा कि अल्लाह कह रहा है कि वलोम वलन नूर तो जिसमें हमने अरबी का वर्ड जो हमने देखा कि यानी यानि करना तो इसके बारे में हमने देखा कि ूम मीन म मीन मीन्स अत्याचार करना और जुलुमात मीन्स अंधकार यानी कि अरबी में तुम जब ब शब्द जब हम झुलम शब्द का अरबी में जब अल्फाज होता है तो उसके मल्टीपल मीनिंग है जो कोई भी दूसरी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है अगर मान लो हमको इंग्लिश में कहना है रॉन्ग डूइंग तो वहाँ पे हम डार्कनेस को फील नहीं कर सकते हिंदी में हम बोलते हैं अत्याचार तो अत्याचार और डार्कनेस को एक दूसरे के साथ में हम लगा नहीं सकते लेकिन अगर अरबी में हमको अगर उस शब्द को जोड़ना है तो ूमत और ज़ालिमीन सिर्फ लास्ट में हम ता और नून लगा देंगे तो पूरा मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगा यानी अगर कोई भी अगर हम गुनाह करते हैं तो हमारे जहन में ये ख्याल आता है कि हम एक अंधकार की तरफ जा रहे हैं तो ये अल्लाह ने कुरान को नाजिल करने का अरबी में यही मकसद था कि उसमें एक ही मीनिंग में इतने डीप अर्थ होते हैं जो हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते इतने सारे मल्टीपल मीनिंग्स के साथ में जुड़ा होता है तो जिससे हमारी माइंड की क्रिएटिविटी है हमारा सोच है वो हमारा जो उसके खिलाफ वो कहने का मतलब है वो डीपली हम अरबी में कह सकते हैं इसीलिए अल्लाह अरबी को पसंद किया है कुरान को नाजिल करने में देखो इसमें हम अरबी में कहते हैं नोर आर द डार्कनेस एन द लाइट यानी कि अंधकार और जो नूर है वो एक नहीं है अल्लाह ये बता रहा है जैसे ही गुनाह करते हो जैसे अच्छा इंसान और बुरा इंसान एक नहीं तो अल्लाह एक एग्ज़ाम्पल दे रहा है पर इसमें जो हम अरबी में पढ़ते हैं वलस मात है, वल नूर यानी कि जो ात है वो जालिम यानी कि हम जो झुलम करते और वो डार्कनेस वो शब्द एक ही है इसका डेरिवेटिव है कुरान में बहुत जगह पे हुआ है जैसे म जिसको बोलते हैं हम डार्कनेस फिर जैसे सूर्य 235 में कहा है कि ज़ालिम द रोंग डूअर्स ज़ालेमून यानी कि अत्याचारी लोग रोंग डूअर्स बट जुलमाते का मतलब होता है डार्कनेस थर्टी फाइव ट्वेंटी वन वल जुल्लु वलल हुरूर यानी कि नोर आर द कूलनेस इज द सेम और द सेड ऑफ द हीट ऑफ द सन यानी कि जो आग है वो और जो ठंडक है वो भी एक नहीं है ऐसे ही थे जैसे जिंदा और मुर्दा एक नहीं है और अल्लाह जिसको चाहता है उसको सुनाता है और तुम जो कब्र में है उनको तुम सुना नहीं सकते यानी कि अल्लाह ये बता रहा है कि जिसको ईमान की दौलत अल्लाह ने दी है और वो सुनने की ताकत जैसे ही हम कोई मरे हुए इंसान को तुम कितना भी बोलो वो समझेगा उसको हम हजार बार कितनी बार भी कहे कि कबूर यानी कि कब्र में जो इंसान है अल्लाह कह रहा है ये थर्टी फाइव ट्वेंटी टू में मन फील कबूर यानी कि जो कब्र में है यानी कि जो मुर्दा है उनको तुम नहीं सुना सकते तो इससे ये भी जाहिर होता है कि जो हम कब्र की जो लोग इबादत करते कबर की पूजा करते कबर में जा माथा टेकते तो वो भी गुना ही है वो कोई सुनने वाले नहीं है तुम्हारी जैसे ही कोई मूर्ति अल्लाह कौम कितनी भी उसकी उसको बात कहे तो लेकिन वो भी कोई सुनने वाली नहीं इसी तरह से मनफिल कबूर ये बेमुस इन यानी कि वो भी सुनने वाले नहीं कबूर इसी तरह से अल्लाह बता रहे कि अल्लाह जो है वो अन्लाह युस्म हो मई यसाओ यानी कि युषम हो यानी कि सुनने की ताकत जिसको अल्लाह मई यसाओ चाहता है उसको ही सुन वो मिलती है इन्ना अंता एलन नज़ीर हमारा मकसद क्या है कि हमें सिर्फ वॉन करना है और हमको किसी के ऊपर बलजबरी या हाथ पकड़ के नहीं करना है कि भाई तुम ईमान में आ जाओ हमारा मकसद है कि उसको सच बात बता देना है कि ये हक है और ये बाति लें हिदायत देना हमारे हाथ में नहीं है ये अल्लाह ने क्लियरली इसमें कहा है कि जो हिदायत है वो अल्लाह के हाथ में है या हमको किसी को फ़ोर्स भी नहीं करना है कि पकड़ के भी चलो भाई तुम अल्लाह की इबादत करो ये सब छोड़ दो नहीं हमको उसको हक बता देना है कि ये जो कर रहे हो वो गलत है और मैं इसमें शामिल नहीं हूँ और ये करोगे तो इसका जहन्नम है और अगर तुम अच्छे काम करोगे तो ये हमारा मकसद है कि जो अल्लाह ने बताया वो हक बात बता देना है फिर उसके ऊपर ना फोर्स करना है ना उसको हम चिल्ला के कहना है ना हमको उसको एग्रेसिव होकर कहना है पर अच्छी तरह से हमको हमारा मैसेज जो है वो ऑन कर देना है तो हमारा जो मकसद है वो वहाँ पर पूरा हो जाता है थर्टी फाइव इन्ना फोर अरसल ना का बिलह के यानी कि अल्लाह ने जो रसूल और जो भी ये भेजा हुआ है वो हक़ के साथ बेसा हुआ है किसके लिए बसीर बशीर यानी कि एक अच्छी खुशखबरी लेके वो लोग जो नबी और रसूल आए थे वो कोई तुम्हारे दुश्मन नहीं थे वो तुम्हें हक बात बताने और तुम्हें खुशखबरी देने आए थे अगर अभी मैं तुम्हें कहूँ कि भाई चलो तुम ये काम करोगे तो मैं तुम्हें ये प्रोजेक्ट तुम पूरा करोगे और मैं तुम्हें एक करोड़ लूँगा ये गुड न्यूज़ है ना तो भी तुम अगर मैं किसी को इतना भी बोलू कि अगर तुम एक लाख रुपए में दूंगा तुम मस्जिद में जाके या हर हर दिन नमाज पढ़ो अगर पांच वक्त नमाज पढ़ोगे तो पांच लाख रुपये दूंगा तो तुम क्या करोगे एक भी नमाज छूटेगी तुम्हारी पांच लाख मुझे मिल रहे है एक दिन के तो वो अल्लाह ये बता रहा है कि ये जो तुम्हें मिलने, मिलने वाला है उससे भी कई गुना ज्यादा मिलने वाला है सो वी हैव यू द ट्रूथ बियर ऑफ द गुड न्यूज यानी कि वो उनको अच्छा न्यूज़ देने के लिए आए थे कि तुम ये अल्लाह की इबादत करोग तुम्हें ये बदला मिलेगा लेकिन इंसान क्या है कि कोई जो कि कोई दिखती नहीं है तो उसके ऊपर यकीन नहीं करता भाई नहीं ये तो वैसे ही बोल रहा है इनका क्या वैल्यू है लेकिन वो जो गुड न्यूज है यानी तुम सोचो कि जो हम हमको आखिरत में मिलेगा वो एक लाख रुपया जो मैं तुम्हें अभी बोल रहा हूँ कि तुम नमाज़ पढ़ोगे तो एक लाख रुपया दूंगा तो उससे भी कई गुना ज़्यादा अल्लाह देने वाला है हमको जिसकी हमें कल्पना भी नहीं है एज वेल एज द वॉर्नर और उसने ये भी चेतावनी दी कि अगर तुम ये गुना करोगे तो तुम्हारे हाथ कट जाएंगे या पेट कट जाएंगे अगर मैं तुमको बोलूँ कि अगर तुम ये गुना करोगे तो तुम्हारी आँख चली जाएगी तुम अंधे हो जाओगे तो तुम करोगे वो कभी भी वो डर जो है वो बताया उन्होंने लेकिन वो डर और वो चीज़ बल्ला ने कुरान में कही कि उनका मकसद था गुड न्यूज़ देना और व नज़ीरू और एक चीज़ के ऊपर वॉन करना कि ये चीज़ करोगे तो इससे गलत होगा व इन उम्मतिन अला ख़िलाफ़ यज़ीर एवरी कम्युनिटी यानी कि हर एक कम्युनिटी को अल्लाह ने एक वार्नर भेजा हुआ है जो उसको उसकी नसीहत देता है देखो आज के दौर में हम सोचते हैं कि कैसे वार्निंग मिला है अभी हमारे पास कंप्यूटर है मोबाइल है तो हर जगह पे कुरान मौजूद है कोई ना कोई तरीके से तुम वो जो इंसान है उनको वो मैसेज मिल ही जाता है कि भाई अल्लाह एक है उसकी इबादत हमें करनी है और उसके सिवा कोई माबूद नहीं है तो वो इन वो मैसेज है वो कहीं ना कहीं से इंसान को मिल ही जाता है आज के दौर में अल्लाह ने जो टेक्नोलॉजी बनाई है उसकी वजह से हर एक जगह से वो मैसेज इंसान को वो वार्निंग मिली जाती है थर्टी फाइव ट्वेंटी फाइव और वो इसके बाद में क्या करते युक जबू ना युक़ जबू का फ़क़द कज़बल लज़ीना मीन कबल हीम और वो तुम्हारा क्या करते इफ दे डिसबिलीव यू तो तुम्हारे पहले भी लोगों ने इनकार किया ही था वो तो तुम्हारे रसूल तुम्हारे पास एक प्रूफ एक साबिती लेके आए थे और ये चीज़ किस में लिखी है ज़बूर वल बिल किताबे जो शाम यानी कि ज़बूर जो दाऊद नबी को दी थी उसमें भी लिखी है वल बिल किताबिल मुनीर और उसमें मुनीर यानी एक क्लियरली एक जैसे बोलते हैं ना कि एक पाक चीज को तुम वो किताब में अच्छी तरीके से उसको तुम बयान करते हो इनलाइटनिंग जिसको बोलते नूर जो ये शब्द है ना मुनीर यानी वो नूर में से आया हुआ है ये जो डेरीवेटिव है ना अरबी का देखो अरबी में उसमें लिखा हुआ है ना व बिल किताबिल मुनीर यानी ये किताबी वो तुम्हें एक नूर की तरफ एक लाइटनिंग की तरफ ले जा रही है अंधकार से निकाल के तो वो चीज़ को भी वो लोगों ने इनकार कर दिया देखो अल्लाह ने ये कुरान दिया है तो हमारा मकसद है कि इसके ऊपर हमें फॉलो करना तो ये हमारे लिए एक नूर की तरह एक हमको लाइट की तरफ लेके जाती है एक बरकत की तरफ लेके जाती है एक अच्छाई के रास्ते की तरफ लेके जाती है ट्वेंटी सिक्स उसके बाद में अल्लाह क्या करेंगे अगर तुमने इसको नहीं माना तो पनिश करेंगे जो भी तुमने कुफर किया था उसके ऊपर और अल्लाह कह रहा है कि ना काना न की फ़कैफा काना नकीर कि देखो मेरा सजा कैसी रही और तुम नहीं देखते कि देखो अल्लाह किस तरह से आकाशों में से पानी डालता है और उसमें से तुम अलग अलग कलर के फ्रूट्स निकालते हो इवन द माउंटेन्स यानी कि अल्लाह बता रहे फ्रूट्स के तो अलग अलग कलर अल्लाह ने दिए ही है पर माउंटेन की भी देखो कितने अलग अलग कलर है कहीं पे तुमको ग्रीन दिखता है कहीं पे तुमको सूखा दिखता है कहीं पे दूर से देखो तो वाइट कलर दिखता है एंड कहीं पे अगर वहां पे लाल कलर का होगा ना तो वहां पे तुमको लाल और नीला कलर का भी माउंटेन्स दिखेगा द पीक्स आर वाइट और रेड और सम अदर कलर्स एंड द रेवन आर ब्लैक यानी कि हर एक तरीके के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखाए अल्लाह ने तो पानी अल्लाह ने आकाशों में से देखो दरिये का पानी अल्लाह निकाल के ऊपर लेके जाता है और वही पानी को साफ करके हमारे ऊपर नाजिल करता है और इंसान को वो पानी से वो अगर हमको इतना ही दरिए का पानी अगर मीठा पानी बना दिया होता तो किसी को पानी की कदर भी नहीं रहती और पानी अगर सोल्टी नहीं होता तो उसमें बास आ जाती हम यहाँ पे रहने के लिए लायक ही नहीं होता क्योंकि वो इतना मीठा पानी अगर खारा हो जाता अगर खारा पानी अगर मीठा हो जाता उसमें नील हो जाएगी मीठा पानी में क्या हो जाता है स्मेल आ जाती है तो इतना सारा दरिया का अगर मीठा पानी है तो तुम तो तो स्मेल से ज़िंदा भी नहीं रह पाओगे वो स्मेल से ही उसमें कोई यानी कि वो जो अल्लाह ने हर एक चीज़ बनाई है उसके अंदर कुछ ना कुछ उसमें क्या है हमत है अल्लाह को इल्म तो है ही उस चीज़ का साथ में उसकी हमत भी है 28 एट वमेन एन ना से ववाबुल वन अन आमो व मुख तलेफा यानी कि ऑल्सो द पीपल्स दुम देखो कि इंसानों में जानवरों में और जो भी तुम लाइफ स्टॉक यानी कि जो भी तुम चरवा करते हो जो भी तुम्हारी गाय है भैंस है बकरी है जिसमें का तुम यूज़ करते हो उसमें भी डिफरेंट कलर्स है देखो एक ही चीज़ की कलर नहीं एक ही एक ही एक ही तुमने देखा है कि वाइट कलर की सारी बकरी जो है या गाय वो एक ही कलर की उसमें भी कितने सारे अलग अलग कलर है कोई ब्लैक है किसी को अलग अलग डिफरेंट कलर दिए हुए किसी को ग्रे गहरा दिया है पीला रंग का किसी को वाइट कलर दिया है किसी के वाइट में भी अलग अलग टाइप के कलर्स से शेड अल्लाह ने अलग अलग शेड्स दिए तो अल्लाह बोलते कि इसी तरह से मुख्तलिफुल्वनाहू कज़ाले का इनमा यकसल्ला इबाद हिलाओजीज़ुल गफ़ूर कि जो इलम वाले हैं और जो अल्लाह को याद करते उसकी इबादत करते ये उनके लिए निशानी है और अल्लाह जो है वो अजीज़ और गफूर है ओलमाइटी अजीज़ यानी सबसे महान गफूर यानि माफ़ करने वाला यानि देखो ये क्वालिटी किसके अंदर है कि जो एक ओलमाइटी भी है जो कुछ भी चाहे वो कर सकता है लेकिन वो क्वालिटी के बावजूद भी वो माफ़ करने वाला है यानि कि ऐसा नहीं है कि वो जरा किसी को अगर तुम्हारा गुस्सा हो जाए और तुमको उसी वक्त में सजा दे दे अगर वो चाहता तो हमारे जो पहले गुना की वजह से हमको जन्न में डाल देता जो हमने पहले ही शैतान के साथ में किया था तो कुरान में लिखा हुआ है और फरिश्तों ने भी कहा कि तुम वापस एक मखलूक़ात को दुनिया में मौका दे रही हो कि जो खून खराबा करेगी तो अल्लाह बोलते हैं मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते यानी अल्लाह इतना रहमान है कि फिर भी हमें मौका दिया कि भाई फिर से तुम जाओ तुम्हें मालूम नहीं कि तुमने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका क्या मकसद हो सकता है जैसे इंसान का यहाँ पर उल्लेख किया है ना इंसान और एनिमल्स एनिमल ने तो अपना ईगो किल कर लिया लेकिन हमारा ईगो अभी किल होना बाकी है तो हमारा मकसद क्या है कि हमको अल्लाह जो भी हम काम करें उसमें अल्लाह की खुशनुदी के अल्लाह की खुशी के लिए हम कोई भी चीज़ को करें अगर देखो हमको फ्री और इंडिपेंडेंट होना है अपने माइंड से अपने दिमाग से हमको सुकून चाहिए तो किस बात से सुकून होगा अगर हमको ये परवाह होगी कि ये क्या सोचेगा ये क्या सोचेगा ये दुनिया वाले क्या सोचेंगे तो हम फ्री नहीं ये हम अभी हम अभी भी उसमें झगड़े हुए हैं इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए हालांकि हम ये सोचे कि अल्लाह किस में खुश है हमारा यही दिमाग में अगर ख्याल आ रहा है कि ये कपड़े पहनने से दूसरे क्या सोचेंगे ये नहीं अल्लाह हमसे खुश है कि नहीं अगर तुम ये सोचो तो तुम सही मायने में इंडिपेंडेंट हो जाते हो क्या हो जाते हो फ्री हो जाते हो जिसको बोलते हैं ना रिडेम्सन तुम अपने आप को एक मुक्त कर देते हो किस चीज़ से दूसरों की ख्याल से दूसरों की चीज़ों से कि इससे क्या होगा इससे क्या होगा ये बोलूँगा तो क्या होगा इससे मेरा अपमान होगा कि नहीं होगा तुम क्या सोचते हो कि भाई अल्लाह किस चीज़ से खुश होता है देखो अगर हम मोस्टली हम बोलते हैं कि भाई अमेरिका यूएसए में सबसे ज्यादा आज़ादी है वहाँ पर इतनी वो नहीं है इंडिपेंडेंस ही ज़्यादा है लेकिन वहां पर तुम जाके भी अगर तुमको वही माहौल में रहना है कि अगर ये कर रहा है ये कपड़े अगर मैं पहनूंगा जिस अगर मान लो तुम वहां पे गए तो वहाँ के रहन सहन के हिसाब से तुमको रहना पड़ेगा ना हालांकि जो तुम्हें खुद को पसंद है वो तुम पसंद करके वो तुम रहना चाहते हो ऐसा नहीं है कहीं भी जाओ तुमको उसकी वहाँ की रहनी करनी से तुम एडजस्ट होने ही लगते हो वरना तुम क्या सोचोगे ये वो ये मेरा मजाक उड़ाएगा पहले ही तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आएगा ना अगर मैं ऐसा करके जाऊँगा तो ये मुझे क्या बोलेगा हाँ चलो अगर मेरे पास इतना कम आ, मेरे पास ये तो मैं तो साइकिल लेके जा रहा हूँ मेरे पास तो गाड़ी होनी चाहिए हाँ हालाँकि मेरे पास वो ताकत भी नहीं है लेने की तो भी मैं क्या करूँगा किसी से लोन लेके मैं वो खरीदूँगा जो किसी और को दिखा हुआ इनके लेके लिए ये देखो दूसरे लोग मुझे देखेंगे ये तुम क्या कर रहे हो तुम स्लेवरी में हो ऑलरेडी यू आर द not free, you are still constrained with the thoughts of the what the others are thinking or अदर्स others are thinking वही हमारा ईगो जो jo humko kya karta hai वो हमको एजी वो हमको बार बार वो शेता ने वो हमको वही तरीके से ईगो से हमको वो चीज़ को जकड़ में रखता है तो वही फ्रीडम क्या है कि ईगो को किल करना कि हमें अपने आप को फ्री करके सिर्फ अल्लाह जिसमें खुश है उसी चीज़ को हमें अपनाना है तो तुमको कोई फिर टेंशन ही नहीं होगा तुम्हारा माइंड फ्री हो जाएगा completely. क्योंकि तुम क्या सोच रहे हो कि अल्लाह किस में खुश है डेट्स ऑल यू डोंट केयर अबाउट एनी अदर थिंग्स तो अल्लाह खुश किस में जो अल्लाह ने कुरान में जो चीज़ फरमाई है वो हम अमल करके हम सोच रहे कि या तुम किसी को हेल्प कर रहे हो तो भी किसके लिए कर रहे हो हाँ मुझे वो वाह वाह करेगा या मेरी बड़ाई करेगा नहीं मैं उसको हेल्प कर रहा हूँ अल्लाह तेरी खुशी के लिए और वो उसको भी नहीं मालूम हो अगर तुम इस तरह से हेल्प करो कि सामने वाले को मालूम भी नहीं हो तो सबसे बेहतरीन है और ना ही तुम उसके ऊपर अपना एहसान जताओ अल्लाह बोलते हैं कि इससे तो अच्छा है तुम हेल्प नहीं करो अगर तुम किसी को इमोशनली उसको तुम झुलम करते हो अत्याचार करते हो हेल्प करने के बाद उसको बार बार याद दिलाते हो अगर मैं तुमको बार बार याद दिलाओ कि भाई तुम मैं तुम्हारा काम कर रहा हूँ मैं तुम्हें ये कर रहा हूँ इसकी वजह से ये सब कुछ है तुम्हारा वरना तुम कुछ भी नहीं हो तो ये क्या कर रहा हूँ मैं तुमको बार बार तुम्हारा मेंटली मैं तुमको टॉर्चर कर रहा हूँ तो इसका कोई मतलब नहीं बनता तुम अल्लाह की खुशी के लिए दो और अल्लाह को कोई परवाह नहीं अल्लाह चाहे तो बेन बेपा बेनिया बादशाह है वो चाहे तो हजारों करोड़ों की दौलत हो तो उनके तुम्हारे कदमों में रख देगा वो तो देख रहा है तुम्हें कि तुम ये देने के बाद तुम किस तरह से उसको व्यवहार कर रहे हो किस तरह से तुम उसको अपनी ज़िंदगी में उसको अमल कर रहे हो ट्वेंटी नाइन इन लजीना यतलु यानी कि जो तिलावत करते या अरबी में क्या कहा कहातलु किताबुल्ल अल्लाह की किताब को जो तिलावत करते हैं वाको मुसलाता यानी कि अल्ला नमाज को अदा करते और अल्लाह ने जो दिया है वो अन फ़को यानी यानि स्पेंड करना हम बोलते ना हिंदी में के फेक रहे हो बोलते ना तुम फेक हो ये, लेकिन ये जो फ़ेक वर्ड है ना वो एक्चुअली में कहाँ से आया हुआ है अरबी में से आया वो अन फ़कूँ फ़कूँ यानि तुम कोई चीज़ को खर्च करते हो एक्चुअली में उसका मतलब होता है ख़र्च करना यानी कोई चीज़ को हम बोलते हैं ना फेंक दिया मैंने फ़ेक जो फ़ा और ये सारे वर्ड है ना वो अरबी के और जो मैंने बताया ना कि सौ क्षत्रिय वो सब संस्कृत के वर्ड है तो ये अल्लाह की जो लैंग्वेज है वो हिंदी में इस तरह से घुल गई है कि हम अगर हिंदी हमको मालूम है या उर्दू मालूम है तो कुरान में से हम एट्टी नाइन्टी परसेंट हम कुरान को अरबी में ऐसे ही पढ़ के समझ सकते हैं देखो ये कितना ब्यूटीफुल वर्ड है वन फको यानी फेक ना यानी कि अल्लाह बोलते जो भी तुम स्पेन करते हो एक्चुअली में मिम्मा रजक ना हूँ जो भी अल्लाह ने तुम्हें रोज़ी दिए तुम उनमें से स्पेन करते हो सिर आला निय यानी कि सीक्रेटली छुपे हुए से या दिखा देखा के पब्लिकली वला ऐलान करके जिसको बोलते हैं ना हिंदी में ऐलान करके तो इसमें अरबी में क्या अल्फाज है व अला नियतुन यानी कि जो ऐलान करके तुम कोई जाहिर करके या छुपा के जूना तिजारतुन लन तबूर तो जो इन्वेस्टमेंट है ना वो कभी भी लॉस नहीं होने वाला है अगर तुम मैं तुमको बताओ कि भाई मैं तुम्हें ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट बताता हूँ चलो गोल्ड में इन्वेस्ट कर लो गोल्ड में इन्वेस्ट करके कभी कोई लॉस किया है किसी ने एक साल दस साल के बाद उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है ना उसमें कभी लॉस नहीं होता लेकिन अगर किसी ने तुम्हारे पास से वो गोल्ड को चोरी कर लिया तो या तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा यानी कोई गारंटी किसी भी इन्वेस्टमेंट में नहीं है लेकिन इसमें अल्लाह की गारंटी है ये इन्वेस्टमेंट में जो तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो तो हम क्या सोचते हैं कि हमारा जो दौलत है माल है वो कम हो रहा है लेकिन एक्चुअली में वो क्या होता है कम नहीं हो रहा है वो अल्लाह बोल रहा है कि वो इन्वेस्टमेंट तुम कर रहे हो आखिरत में और एज वेल एज दुनिया के दुनिया में भी अल्लाह तुमको उसका अज़र देगा इतना अज़र देगा कि जिसको तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो अल्लाह का प्रोमिस है कि दैट इन्वेस्टमेंट्स आर आर नेवर गोइंग टू लूज वो इन्वेस्टमेंट जो भी तुम कर रहे हो वो कभी भी लॉस नहीं होने वाला है और अल्लाह क्या बोलता है कि किस तरह से अल्लाह उसको बदला देगा उजू अजर जिसको बोलते हैं ना अजर यानी ही विल रिकम्पेंस देम जनरसली यानी कि उसका तुमको बदला बहुत ही बेहतरीन तरीके से अजर मिलेगा और वो जो फर। और वो हम उसको उसका जो बदला है वो मल्टीपल फोल्ड में तुमको देंगे इनहू गफूरुन शकूर देखो अभी देखो अल्लाह का नाम देखो किस तरह से अल्लाह ने इसको नाम को बताया कि अल्लाह जो है वो माफ़ करने वाला है और अल्लाह जो है वही कदरदान है दुनिया में तुम किसी को भी कितना भी हेल्प करो कितनी भी मदद करो लेकिन वो शुक्र तुम्हारा एक लेवल तक ही कर सकता है लेकिन अगर तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे तो अल्लाह बोलता है कि मैं अल्लाह जो है ना वो कदरदान है इसका एक नेम है जो शकूर अल्लाह जो शक्र यानी अप्रिसिएटिव है उससे ज़्यादा कोई कदरदार नहीं अगर तुमने एक छोटी सी कोशिश की अल्लाह की राह में सच्चाई पाने की तो अल्लाह तुम्हारे लिए हजारों रास्ता खोल देगा अल्लाह बोलेगा कि ये मेरे बंदे को अच्छे रास्ते की तरफ आना है तो वो कदरदान है ऐसा नहीं कि तुम अगर कोशिश हाँ करोगे और तुमको उसकी कदर नहीं करेगा अगर तुमने एक सच्ची मेहनत से तुमने अगर दस रुपीस भी खर्च किए या एक रुपीस भी खर्च किया लेकिन वो अल्लाह की खुशी के वास्ते तो अल्लाह उसकी करोड़ों गुना तुम्हें उसका बदला देगा लेकिन वो सच्ची नीयत से अल्लाह की खुशी के लिए होना चाहिए तो अल्लाह बोलता है कि मिन फजले इन्ना हूँ गफ़ूर उन सकूर अल्लाह उसको तुमको रिवार्ड तो देगा ही तो अल्लाह जो है वो माफ़ करने वाला है गफ़ूर है यानी कि अगर तुमसे कोई गलती भी हो गई हो या तुम अगर मान लो कि अल्लाह बोलते कि तुम हेल्प करो तकलीफ़ में भी और कुशायदगी में भी ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास तकलीफ हो और कोई आए तो तुम बोल दो नहीं मेरे पास कुछ नहीं मेल कुछ भी है जितना भी हो सके तुम उस टाइम में भी मदद करो और जब तुम्हारा अच्छा टाइम है उस टाइम में भी तुम मदद करो ये सराह टू में अल्लाह ने बकरा अल्ला में अल्लाह ने ये बात कही है और अल्लाह जो है वही गफूर और शक्ूर है थर्टी फाइव थर्टी वन इसके पहले हम वो करते हैं तुबिल्लाहमदल वज़ुम बिस्मिल्लामान रहीम थर्टी फाइव वर्स थर्टी वन वल्लीना और का मिनल किताब होआना हाँ यानी वही जिसको बोलते हैं ना हम वही बोलते हैं वही यानी नाजिल होना तो अल्लाह ने जो क्या कहे वल्लजीनाइना का मिनल किताब होल हक का यानी कि वो हक है वो सत्य है मुसद्दुल्मा बईना यदही है इन अह बेबा लखबीर बसीर और वो पहले जा सारी किताबों को वो एक निचोड़ है उसका यानी कि अभी तक का जो पहले की सारी जो किताबें हैं उसका वो एक निचोड़ है और अल्लाह जो है वो हर एक चीज़ की खबर रखने वाला और देखने वाला है सियर यानी कि तुम अगर आँखों से भी तुम्हारी आँखों से भी अगर कोई गुनाह हो रहा है या तुम्हारी आँखों की नज़र भी यहाँ से अगर तुम मान लो अगर तुम्हारा टीचर है या कोई स्ट्रॉन्ग तुमसे कोई मिस्टेक होगी है तो तुम अपनी आँख उसके सामने मिला के बात कर सकते हो क्योंकि तुमको आंख नीचे झुका के बात करनी पड़ेगी ना तो वो क्या होता है हमारा नेचुरल एक्सप्रेशन होता है जी जो हम कोई भी चीज़ को वो करते हैं ना तो अगर हमसे कोई गलत होती है ना तो हमारा एक्सप्रेशन तो अल्लाह बोलते हैं कि अल्लाह को वो भी तुम्हारी आँख में से जो तुम्हारी चीज़ जो होती है ना वो भी अल्लाह को मालूम है तुम्हारी फीलिंग और इमोशन तो छोड़ो वो सब तो अल्लाह को तुम्हारी जो जिगुलर वेन है ना उससे भी अल्लाह तुमसे करीब है और अल्लाह को खबर है अल्लाह देखता है यानी हम उससे कोई भी चीज़ से गाफिल अल्लाह नहीं है यानी हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि अल्लाह अगर हमारे ऊपर कोई तकलीफ आ रही है और हम सबर कर रहे हैं तो अल्लाह को मालूम नहीं अल्लाह को मालूम है कि ये मेरा बंदा है इसने वो फिर भी उसको वो तकलीफ है लेकिन वो ये बोल रहा है कि अल्लाह तेरी मर्ज़ी है मैं खुश हूँ अलहमद तो अल्लाह को ये सब मालूम है और अल्लाह तुम्हें उसको उसका वो तुम्हारा लेवल है वो रैंक है वो तुम्हारा हाई कर ही रहा है अल्लाह उसको सब चीज़ मालूम है तो तुम सब्र करो यानी वो तकलीफ है ही नहीं एक्चुअली में वो जो तकलीफ़ आती है ना वो एक्चुअली तकलीफ हम उसको सोचने ही नहीं, नहीं है वो क्या है वो अच्छा ही है वो क्या हो रहा है अच्छा ही हो रहा है तो वो पॉजिटिव थोट से हमें रखना है वो उम्मीद ही रखनी है कि वो तकलीफ का नाम की कोई चीज़ होती नहीं है अल्लाह जो भी करता है ईमान वालों के लिए ही करता है अल्लाह काफ़िरों और मश्रकों के लिए अल्लाह को कोई परवाह नहीं है अल्लाह ने उनको ज़िंदा भी रखा है वो इसलिए रखा है कि ईमान वालों की आजमाइश के लिए है और वो कुछ ना कुछ फ़ायदा ईमान वालों को भी दे रहे हैं यानी काफी ये सोच रहे प्लानिंग कर रहे स्कीम कर रहे कि ये मैं बुरा करूँगा और इसकी हालत ये हो जाएगी लेकिन वो क्या हो रहा है अपना खड्ढा ही खोद रहे यानी कि वो क्या कर रहे हैं वो जो हम के जो ईमान वाले के ऊपर बुरी स्कीम कर रहे हैं वो अपने आप हाँ ही अपना ही खड्डा खोद रहे उससे ईमान वालों को तो दरज्जा क्या हो रहा है वो खड्डे से वो जो माटी निकलती है ना तो वो माटी से ईमान वालों उसके ऊपर ही चढ़ते जाते और वो जो बुरे लोग हैं ना वो अपने खड्डे में ही गिरते जाते यानी कि अगर मैं मान लो किसी दूसरे का बुरा सोचूँ, किसी से हैट करूँ तो मैं अपने ही खंडा खोद रहा हूँ उससे सामने वाले को तो कुछ नुकसान नहीं होगा यानी कोई हमारा बुरा सोचे या बुरा करे हमको सिर्फ यही करना है कि अल्लाह तेरी मर्ज़ी है हम खुश है हमको कोई हेट नहीं करना किसी से हमको कोई नफरत नहीं करनी तो क्या होता है अल्लाह वो देख रहा है हमें कि ये मेरा बंदा है इसको मेरे ऊपर पूरा यकीन है और वो टेस्ट में हमारा जो लेवल है वो क्या हो जाता है हाई हो जाता है वो नेचुरली यानी हम सोचते हैं कि यार ये बुरे लोग इतने इसके पास इतनी देखो मूसा नबी ने भी सवाल किया था कि अल्लाह ये फिरौन को और इसको तो उन्हें इतनी सारी संपत्ति दी है और हमको इतनी क्योंकि तो वो चार साल पाँच साल जब उसने वो दावत देने के बाद भी कितने साल वो उन्होंने बनी इसराइल के साथ में रहे पूरे उसी एक ही दिन में वहाँ से वो जैसे कुरान में कहा दावत दे के निकल नहीं गए थे सबको लेके सालों साल वहाँ पर उनके पास में रहे थे फिर उसके ऊपर कितनी आफतें आई थी कितनी तकलीफें आई थी तो अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ने कहा कि मेरा मेरी हेल्प बहुत ही नज़दीक है तुम सब्र करो और धीरज करो तो अल्लाह उसके टाइम में वो तकलीफ़ के टाइम में भी देखना चाहता था कि कौन ईमान वाले वो जो है उसमें थम के उसके साथ में रह पा रहे और उसको और मज़बूत कर रहा था फिर अल्लाह ने फिर उनको और उसकी सारी कौम को जब वक्त आया दरिए के सामने जब खड़े थे तब देखो मूसा नबी ने जब तुम सोचो कि पूरी पीछे से कौम आ रही उसको लश्कर आ रहा है मारने के लिए और मुस्ा नबी और उनके सारे के लोग और दरिए के सामने खड़े हो गए तो सबका ईमान क्या हो जाएगा कमजोरी हो जाएगा ना अब कहाँ भागेंगे अब तो मौत हमारे सामने है अगर तुम्हारे सामने तुमको कोई मारने के लिए आ रहा है तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं हो तुम वहाँ पे खड़े हो तो उस टाइम में तुम्हारी सोच क्या होगी तुम तो डर जाओगे खौफ कर लोगे अगर उस वक्त में तुमको बोले चलो अभी तुमको कबूल कर लो तुम अल्लाह कोई इबादत नहीं करते तो इंसान तो क्या होता है कमज़ोर ईमान वाला छोड़ देते अपने ईमान को लेकिन उस वक्त में मूसा नबी का ईमान इतना स्ट्रॉग हो गया ये सारी तकलीफ़ों के बाद में तब उसने बोला कि डरोमट अल्लाह कुछ ना कुछ मदद करेगा अल्लाह मेरे साथ ही है उसको मूसा नबी को मालूम नहीं था कि वो लकड़ी से वो समुद्र के दो टुकड़े कर जाए हो जाएंगे वो तो टेस्ट उनकी भी टेस्ट थी ना मूसा नबी की भी उस वक्त में टेस्ट थी और उनके साथ में जो सारे लोग थे उनकी भी टेस्ट थी कि सामने से पूरा लश्कर आ रहा है अभी कहाँ जाएंगे अभी तो दरिया आ गया बीच में अभी तो भागने का कोई मौका नहीं उस टाइम में लोग आके मूसा नबी को ये भी कहने लगे ये देखो तुम्हारी वजह से हम तो वहाँ पे थे अच्छे खासे थे हालांकि हम लोग गुलाम थे लेकिन हमको ऐसी तकलीफ तो नहीं थी ना हमारे पास वो जब निकले ना वो मूसा नबी रातों रात, रात वहाँ से निकले तो कितने दिन का सफर था वहाँ पे खाने पीने की सबकी तकलीफ थी तो वो लोग तो बीच में कोई कोई तो जो जिसका ईमान कमज़ोर था वो बोलने लगे हे e, मूसा ये क्या कर दिया तूने हमको वहाँ से निकाल के तुम तो इस जगह से लेके आ गए हमारे पास तो न भी खाना है पीना है इससे तो अच्छा हम जो गुलाम थे वहाँ पे वो अच्छा था ऐसे भी ताने मूसा नबी को मारे थे तो उन्होंने कुछ कंप्लेन नहीं की देखो जब वहाँ पे आए तो कुरान में लिखा है कि उन्होंने अल्लाह से दुआ कि अल्लाह मेरे साथ ही है आप डरो मत अल्लाह कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगा तो वो आजमाइश थी ईमान वाले हच मच गए थे लेकिन देखो अल्लाह ने फिर कैसा मोजिजा दिया मूसा नबी को बोला कि तुम तो अपनी लकड़ी को मारो वहाँ पर दो रास्ता हो जाएगा तो पूरे समुंदर की वो घाटी में से रास्ता हो गया और वहाँ से वो निकल गए और जैसे ही फ़िरन वहाँ से निकलने की कोशिश की और अल्लाह ने वो तो वो देखो उन लोगों ने इतने बड़े मोजिजे देखे इतनी तकलीफ़ के बाद तो अल्लाह की मदद हमेशा नज़दीक है हमें उसके ऊपर यकीन रखना है वो हर चीज़ की उसको ख़बर है जो भी अल्लाह क्या है इलम वाला है और उसमें हिकमत भी है मैं एक बड़ा उसका वाक्य बताने वाला हूँ लेकिन वो एक्चुअली में बहुत डेप्थ में है कि जो इब्राहिम नबी थे तो उसके टाइम में फरिश्ते आए थे उनको ख़बर देने के लिए मालूम है ना वो वाक्य जो कुरान में बताया है कि वो फरिश्ते उनको आए थे तो आ, उस टाइम में क्या था कि कोई भी देखो इब्राहिम नबी कितने कायन थे कि जब उन्होंने दरवाज़ा खोला और उनको देखा तो वो फरिश्ते थे इंसान के रूप में तो उसके पहरवेज उनका जो नूर वो कुछ अलग ही था तो उन्होंने उनको क्या किया पहले तो कोई भी जो गेस्ट आया तो उनको घर पर बुलाया बिठाया और बोला मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतज़ाम करता हूँ और ऐसे ही नहीं कि सीधे उनकी जो वाइफ़ थी ना उनकी दो वाइफ़ थी तो पहली वाइफ़ थी उनसे कौन था उनको इस्माइल था इस्माइल जो बच्चा हुआ था ना पहला इस्माइल और जो दूसरी वाइफ थी सारा वो कितने सालों से उसको कोई भी बच्चा नहीं हुआ था जो फर्स्ट वाइफ थी उनकी और वो 86 87 इयर्स की थी और इब्राहिम भी नबी भी उस टाइम में 80 85 के साल के थे यानी कि बुज़ुर्ग थे और बूढ़े हो गए थे तो उन्होंने फिर भी वो आया तो उन्होंने रिस्पेक्ट के कहा कि खाना ऐसा नहीं कि अगर कोई घर पे आता है तो मैंने बोला ना चलो भाई चाय लेके आ जाओ ऐसा आ जाओ ऐसे हुक्म नहीं किया वो खुद गए और उनको हेल्प की एक बछड़े को लाने में पका के भुना हुआ बछड़ा लेके आए उनको खिलाने के लिए पेश किया जब उनको वो खिलाने के लिए पेश किया वो बछड़ा तब वो लोगों ने खाया नहीं फरिश्तों ने देखो अल्लाह क्या बोलता है कुरान में कि मैं तुम्हें रोजी देता हूँ मैं तुम्हारी रोजी नहीं खाता अल्लाह क्या बोलता है ईमान वालों को कि अल्लाह जो है वो तुम्हें रोज़ी देता है अगर अल्लाह फरिश्ते तुम्हारे वहाँ पे अल्लाह ने भेजे इब्राहिम नबी के पास वो उनकी रोज़ी खाने के लिए नहीं आए थे वो इतना अल्लाह पा कि वो अल्लाह जो कहता है ना कुरान में उसकी बहुत डेप्ट होती है उसके अंदर ये जो पूरा वाक्य है ना वो तो छोटा सा इसके ऊपर तुम छोटे से वाक्य में अल्लाह ने जो बयान किया है ना अगर तुम उसकी गहराई को सोचो कुरान की तो तुम हो जाए कि अल्लाह ने कितनी खजाने हमारे लिए ओपन करके रखे कुरान में इतनी खजाने को ओपन करके रखे कि वो एक स्टोरी के अंदर जो छः से सात आयत में आती है उसके अंदर इतनी डेप्थ है इतनी डेप्थ है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते क्योंकि उस वक्त में क्या था एक दूसरा भी था कि जब भी कोई एसेसिनसन आते हैं ना मारने के लिए तो वो क्या होते हैं वो कोई भी चीज़ को खाना नहीं खाते तो इब्राहिम नबी को डर लग गया कि उन्होंने खाना नहीं छुआ तो ये शायद मुझे मारने के लिए आए उनको ये अंदाजा तो नहीं हुआ कि ये फरिश्ते हैं जब उन्होंने खाना नहीं टच किया लेकिन दूसरा भी मकसद उसमें यह था कि अल्लाह जो है ना वो रोज़ी देने वाला है वो तुम्हारे से रोज़ी मांगता नहीं है कि तुम उसको कमा के दो तो वो कभी भी वो फरिश्ते वो कोई भी वो तो इंसान के रूप में एक मैसेज खुशखबरी देने आए थे और दूसरा एक लूत नबी को वो देने तब उन्होंने क्या बोला इब्राहिम नबी को जब उन्होंने खाना नहीं कहा कि उसके फेस से क्योंकि उनका फ़ेस क्या हो गया डर डर के डर जैसा हो गया इब्राहिम नबी का हालांकि उनको तो यकीन अल्लाह के ऊपर बहुत ही काइंड थे लेकिन नेचुरली है ना ह्यूमन बींग है ना हम तो इंसान है कोई भी चीज़ अल्लाह ने हमारे अंदर डर क्यों रखा है कि हम कोई चीज़ हमारे अंदर वो चीज़ हो जाए तो हम उसके अंदर प्रिकॉशन रखें अपने आपको बचाओ हर एक एनिमल में भी है हर एक इंसान में भी है तो ऐसे उनको डर लग गया थोड़ा तब वो फरिश्तों ने क्या कहा इब्राहिम तुम डरो नहीं हम अल्लाह की तरफ से तब उनको जाके इन इं, इन इं, इंस्टेंटली सुकून हो गया कि बोलो मैं हम तुम्हारे पास खुशखबरी देने के लिए भी आए और एक जो तुम्हारा लूत नबी थे वो क्या थे इब्राहिम नबी के ही भाई के उनके ही कौम से थे तो उनको उनके बारे में मालूम था और दूसरा हम लूत नबी को उनकी कौम को पूरा ख़त्म करने के लिए तब जाके उन्हें थोड़ा सुकून हो और उसने बोला खुशखबरी दी तब उन वहाँ पर कोई इतने बड़े बड़े घर नहीं थे उस वक्त में कि चलो भाई एक दूसरा रूम हो उसकी वाइफ वहाँ पर रहती हो और इब्राहिम नबी का वो जो वहाँ पर ऐसा हॉल हो और इस हॉल के अंदर बात कर रहे हो ऐसा नहीं था वहाँ पर भी उनकी वाइफ भी सामने ही खड़ी थी उनकी जो फर्स्ट वाइफ है सारा जिससे एटी सिक्स ईयर्स में तुम सोचो कि उन्होंने खुशखबरी दी वो तो इब्राहिम नबी से बात कर रहे थे और बोले कि अल्लाह ने ये दिया है कि अल्लाह तुम्हें कि एक बच्चा देगा एक बच्चा देगा अल्लाह ने ये तब उसकी जो वाइफ थी ना उसमें कुरान में लिखा है अरबी में कि वो ऐसा गई हाय रे ऐसा अल्लाह ने वो वो आयत है ना वो कुरान में लिखी है उसका डिस्क्रिप्शन हालांकि तुम सोचो कि वो जो फरिश्ते थे वो इब्राहिम नबी सा थे उसका क्या मकसद था वो उसका जो सारा न, जो उसकी वाइफ थी उसका वो लिखने का तो उसका एक सेंटेंस में अल्लाह ने लिखा है कि उसने कहा कि हाय रे ये क्या हो गया तुम कैसी बात कर रहे हो मै और उसने अपने आप को अपने हाथ से ऐसा मारा जैसे टपली मारते ना हम ऐसा करते ना ऐसा तो वो अल्लाह ने वो अरबी में अल्फाज कहे कि अपने वजह वजाहमसक को यानी कि उसने फेस्ट के ऊपर एक ऐसा टपली किया और ये बोला हाय रे मैं तो अभी हूँ मेरे मेरे को कैसे ये होगा यानी कि तुम सोचो इसके अंदर कितनी फीलिंग्स अल्लाह ने डाली है वो आयत में यानी वो उसके साथ बात करने लगी फरिश्तों के साथ वो बात करने लगी हालांकि फरिश्ते उनको क्यों जवाब देंगे वो तो इब्राहिम नबी है वो नबी के पास है ना तो भी उन सीधे उसने इब्राहिम को छोड़ के वो उसके साथ बात करना चालू कर दिया उसको क्या कहा कि अल्लाह ने ये चाह है अल्लाह ने ये चाह है तो होगा और अल्लाह ने तुम्हारे लिए उसमें जो वर्ड किया है ना कि वो बच्चा तो होगा लेकिन उसका वर्ड किया है गुलाम यानी कि वो बच्चा वो जो वर्ड है ना अरबी का गुलामून यानी वो एक क्या बोलते हैं यंग स्लेव को बोलते हैं अरबी में और जो जिसकी यानी उसका एक मतलब ये होता है कि वो 11 और 12 साल और 13 साल का होगा यानी अभी देखो कि इतनी उम्र में अगर मान लो कि मैं एक तुम्हें एक बात बताता हूँ जो अभी सबसे ज़्यादा अगर किसी को दुख होता है ना कोई भी चीज़ का अगर लड़की को तुम देखो ना लड़की औरत है उसको अगर बच्चा नहीं है ना तो वो उसके लिए सबसे ज़्यादा दुख की बात है क्योंकि उसको ताने सुनने पड़ते अपनी फैमिली से अपने हस्बैंड से अपने सब से क्योंकि उसको बच्चा नहीं हो रहा तो उसको लग रहा है मेरे पास बच्चा नहीं है यहाँ तक कि ये लोगों ने रिसर्च किया था कि जो सीरिया में और पैलेस्टाइन में जहाँ पे घर टूटे हुए इतनी तकलीफ़ है वहाँ भी अगर किसी औरत का एक इंटरव्यू लिया गया ना कि तुमको सबसे बड़ी तकलीफ़ क्या बोला मैं बच्चा नहीं हुआ है मेरा पहले उसकी ज़ुबान से वो निकला कि मुझे बच्चा नहीं हुआ क्योंकि एक, एक औरत को अगर बच्चा नहीं होता तो उसकी तकलीफ़ कितनी होती है तब उसने ऐसा कहा ठीक है फिर फरिश्तों ने कहा कि ऐसा होगा अभी तुम सोचो कि जो चीज़ ये एक्चुअली ऐसा वाक्य है कि मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ इसको मैं इनशाला बाद में कहूँगा बाकी मुसलात